अस्सलाम वालेकुम सबको। 19 मेंबर्स में बता दूं, बाबर आजम, रिजवान, आबिद अली, अजहर अली, अब्दुल्ला शफीक, फवाद आलम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमरान भट्ट, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, नसीम शाह, सरफराज अहमद, साउद शकील, शाह नवाज धानी, नुमान अली, जाहिद अली, यासिर शाह, शहीन शाह। और नवाज और हारिस को हम ये डिसाइड किया कि हम उनको थोड़ा सा घर भेजेंगे, और वो पूरे 2-3 और फॉर्मेट खेलते हैं जिसकी वजह से उनको रेस्ट नहीं मिला। और हमने ये डिसाइड किया कि वो जाके घर टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, और वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो इस वजह से ये है कि हम वो थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसके बाद जब वो प्रिपेयर हो अफगानिस्तान सीरीज के लिए। सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले रशीद शकूर साहब आप सवाल करते सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, वेस्ट इंडीज का जो टूर है, जो 4 मैच थे T20, अनफॉर्चुनेटली 3 नामुकम्मल रहे, सिर्फ एक मैच मुकम्मल हो सका। मतलब उस तरह की जो क्रिकेट जो आप लोग भी चाह रहे थे, सब लोग चाह रहे थे, वो नहीं हो सकी। इस दौरे में 3 टेस्ट मैचेस थे, वो कम करके 2 कर दिए गए थे ताकि T20 मैचों की तादाद को बढ़ा दिया जाए। तो एज ए पाकिस्तान टीम कैप्टन, मतलब आप तीनों फॉर्मेट में हैं, कप्तान, किस तरह देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की कितनी अहमियत है? हम वैसे भी बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो कितनी इसकी अहमियत है? और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चूंकि अब शुरू हुई है, पिछला हमारा इतना अच्छा वो नहीं गया, अब हम बेहतर कारकर्दगी की भी तवक्को कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बहैसियत कप्तान कितना आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कितनी जरूरी है और हम क्या कम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे? देखें, जिसना आपने बात की T20 की, और बिल्कुल हमारे जो मैचेस थे, 4-5 मैचेस थे जिसकी वजह से एक कैंसिल हो गया, और उसके बाद जो 3 मैच हुए हमारे वो बारिश की वजह से नहीं हुए। डिसअपॉइंटमेंट थी। हमने जो डिसाइड किया था, हमने जो प्लान किया था इस सीरीज में, हमने डिफरेंट कम्बिनेशन खिलाना था, डिफरेंट लड़के ट्राई करने थे। वर्ल्ड कप के पहले हमारी जो एक सीरीज थी, ये थी हमारी कि हम यहाँ पे अपना बेस्ट कम्बिनेशन और बेस्ट लड़के ट्राई आउट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने ये चीज आपके उसमें नहीं, हाथ में नहीं है कि बेहतर। लेकिन बिल्कुल टेस्ट का दूसरी भी है कि मेरे ख्याल से ये एक ओपिनियन है, और मेरा एक आई डोंट नो इसमें ये अलाउ है कि नहीं, कि जिस तरह टेस्ट मैच में तो 5 दिन होते हैं, लेकिन व्हाइट बॉल या T20 में एक रिजर्व डे भी होना चाहिए। आई डोंट नो ये रूल है कि नहीं है, लेकिन हमें ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। मेरा सजेशन है, मैं सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए। और टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट की बात करें, बिल्कुल आपने जिस तरह बात की, इस साल मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा हुई है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़े से टेस्ट मैचेस इस ईयर टेस्ट क्रिकेट बहुत कम हुई है। लेकिन जैसे आपको बताया कि टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है, उससे उससे मेरे ख्याल से लड़कों में बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत फोकस हुए हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप है, और इससे टेस्ट चैंपियनशिप के फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। तो इनशाला जितने भी हमें टेस्ट क्रिकेट मिल रही है, तो इसको हम मजीद अच्छे तरीके से खेलेंगे।